अद्भुत दृश्य है, जैसे स्वर्ग उतर आया हो इंदौर में। मेरा सौभाग्य है कि भगवान आदिनाथ जो अभी भगवान बनने वाले, उनका पालना झुलाने का सौभाग्य मेरे इन हाथों को मिला है। मैं आपका ऋणी हूं इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय हुकुमचंद भारिल जी, कमल जैन जी, इंद्र इंद्राणी, मेरे सभी धर्म प्रेमी बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के सबको प्रणाम। मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य और विधायक साथी भी यहां हैं, लेकिन समय की मर्यादा है। देखो, जो दूसरों को जीते उसको कहते हैं वीर, और जो अपने आप को जीत ले वो, और जो महावीर वो जितेंद्र, जो जितेंद्रिय वो जिन, और जो जिन वही जैन। इसलिए जैन साहब लिखने से जैन नहीं हो जाते, उसके लिए अपने आप को जीतना पड़ता है। और सचमुच में अद्भुत है हम और हमारा धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अजा दुनिया मानती है कि दूसरे को शरीर से कष्ट पहुंचाना, मारना वो ही हिंसा है, लेकिन जैन धर्म कहता है कि मन और वचन से कष्ट पहुंचाना भी हिंसा है। मतलब मन और वचन से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। आप कल्पना करके देखो, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, दुनिया में तनाव है, अगर ये जैन हो जाए तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। और इसलिए जैन धर्म की आज प्रासंगिकता है, दो सिद्धांत, एक अहिंसा और दूसरा अपरिग्रह। अपनी जरूरत कम कर लो, बहुत ज्यादा की जरूरत क्या है। अगर दुनिया ये सोच ले कि अपनी जरूरत कम कर लो तो सारे झगड़े ही खत्म हो जाए। और पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, पेड़ काटो, खनिज निकालो, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के खतरे, अगर अपरिग्रह के सिद्धांत को अपना लो तो ये सारे खतरे टल जाएंगे और दुनिया शांत और सुखी हो जाएगी। और इसलिए तो ये जैन अपना जो कमाया हुआ धन है खुद पे ना लगा के कहीं ऐसे भव्य मंदिर बनवाते हैं, कहीं सेवा के काम में लगाते हैं। और इसलिए आज मैं आदिनाथ भगवान को प्रणाम तो करता ही हूं, आप सबको भी दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं। बेटा बेटी बराबर, सबको स्नेह करें, प्रेम करें, हम खूब धन कमाएं लेकिन उसको दान पुण्य करके जगत के कल्याण में भी लगाते जाएं। इसलिए भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई करा सकता है तो वो जैन दर्शन करा सकता है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करने आया हूं और मैं भी जैन बनने की कोशिश करता हूं। एक बार फिर आदिनाथ भगवान के चरणों में प्रणाम। और ऐसा सचमुच में कैसा सुंदर स्वरूप है,
मन ये करता कि बैठ के और झूला झुलाते जाओ पालना। लेकिन मैं उनको प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि सबकी जिंदगी में आए, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, युद्ध की विभीषिका से विश्व बच जाए और हमारा देश और अपना मध्य प्रदेश और इंदौर लगातार प्रगति के पथ पर आगे आगे और आगे बढ़ता जाए। इंदौर का भी खूब नाम है, इंदौर बन गया है अपना ग्लोबल सिटी, तो ये इंदौर भी दुनिया को राह दिखाए, ये प्रार्थना करते हुए और आप सबको भी, क्योंकि सब में ही भगवान है, तो आप सबके चरणों में भी प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए आदिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, जैन धर्म की, जय जिनेन्द्र।